मैंने कहा भाई क्या बात करनी है, तुम तो बीजेपी में हो। और फिर उसके चेहरे पे थोड़ी सी टेंशन दिख रही थी, तो मैंने पूछा सब कुछ ठीक है क्या? मैंने सोचा शायद घर में कोई बीमार हो, कोई दुर्घटना हो गई हो। मैंने पूछा सब कुछ ठीक है? कहता है नहीं। क्या हुआ? राहुल जी, बीजेपी में रहकर सहा नहीं जाता, मैं हूं बीजेपी में, मगर दिल मेरा कांग्रेस में है। तो मैंने कहा भाई दिल तेरा कांग्रेस में, शरीर आपका बीजेपी में, मतलब दिल शरीर को कांग्रेस में लाने से डर रहा है, यही हो सकता है। मैंने कहा मन क्यों नहीं बनता वहां? आप एमपी हो, आप मुझे हिंट दे रहे हो, मन क्यों नहीं बनता? कहता है राहुल जी बीजेपी में गुलामी चलती है, जो ऊपर कहा जाता है वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है, हमारी कोई सुनता नहीं, ऊपर से ऑर्डर आता है, मतलब जैसे पहले राजा ऑर्डर देते थे ऊपर से ऑर्डर आता है और उसका पालन करना पड़ता है, अच्छा लगे ना लगे, चॉइस नहीं होती। आपको याद होगा हमारे जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं पटोले जी, ये हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछ लिया था, एक सवाल पूछा था किसानों के बारे में। क्या सवाल था? जीएसटी आपने जो लगाया, जीएसटी जो आपने लगाया तो उसमें किसानों का क्या हिस्सा रहेगा? हाँ, तो सिर्फ एक सवाल पूछा, सवाल था जीएसटी जो आपने लगाया उसमें किसानों का क्या हिस्सा होगा? मोदी जी को सवाल अच्छा नहीं लगा, पटोले जी आउट हो गए। तो उनकी विचारधारा राजाओं की विचारधारा है, किसी की सुननी नहीं,